आदरणीय भरत जी, उपस्थित सभी सम्माननीय मंत्रीगण और पंचायती प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारीगण, रामलाल जी, रघुनाथ जी और उपस्थित भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा कि हम लोग गाँवों के विकास के दृष्टि से हमारी विजन क्या रहे, हम किस प्रकार का कार्य करें, इसके बारे में हमने गंभीरता से विचार करने के लिए शुरुआत की है। और कुछ जगह पर हमने हमारे उस राज्य के अनुसार कुछ कार्य करने की कोशिश भी की है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं मोटी तौर पर जो एक सामान्य रूप से हमारे कार्यकर्ताओं तक जो बात हम पहुंचाना चाहते हैं उसमें तीन बातों पर हम जोर दे रहे हैं। पहला विषय है राष्ट्रवाद। राष्ट्र के सर्वांगीण उन्नति और विकास के लिए राष्ट्रवाद हमारे कार्य का आत्मा है, हमारी प्रेरणा है। और राष्ट्र को अगर सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली करना है तो उसके लिए दूसरी बात आवश्यक है, गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट, सुशासन और विकास। ये सुशासन कैसे होगा और ये विकास की हमारी योजनाएं क्या होगी, उसमें हमारे बीच में हमारे उद्दिष्ट के बारे में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। और तीसरी बात जो हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमको दी हुई है, जिसको हम जोर से कहते हैं, जो हमारा सामाजिक आर्थिक चिंतन है वो है अंत्योदय, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी। अब प्रश्न ऐसा है कि इन तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास और उसके साथ अंत्योदय। अब इन तीन बातों को अगर हम सामने रखकर चलते हैं तो उसके अनुरूप ये उद्दिष्ट पूरा करने के लिए हमारा संगठनात्मक और राजनीतिक प्रवास किस दिशा में चल रहा है इसका चिंतन भी करना होगा, जो अच्छाई होगी उसको मजबूत करना होगा और जहां कमियां होगी उसको सुधारना होगा। जैसे ये तीन बातें मैंने कही, वैसे और तीन बातें महत्वपूर्ण है जिसका जिक्र हम लोग हमारे परिवार में भी करते हैं। वो तीन बातें हैं इथिक्स, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, और तीसरी बात है इकोनॉमी। ये तीन ई बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जो तीन बातों का मैंने उल्लेख किया शुरुआत में वो हमारे इथिक्स है, और जो हम हमारे गांव में, शहर में जो इकोलॉजी और एनवायरमेंट का आधार लेकर हमारे जीवन को सुसह्य बनाना चाहते, ग्रामीण भाग में हो, शहरी भाग में हो, वो जो जिस प्रकार का एनवायरमेंट बनाना चाहते हैं वो इकोलॉजी में आता है। और इकोनॉमी ये हमारे विकास का सबसे बड़ा मजबूत आधार है। विवेकानंद जी ने कहा है कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक, खाली पेट को कोई तत्व ज्ञान पढ़ाया नहीं जाता। और इसलिए इन बातों का विचार करते हुए हमने हमारे सामने जो उद्दिष्ट रखा है इन सब मार्गों से जाते हुए कि सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान जो भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त है। अब यह उद्दिष्ट हमने सामने रखा है। जब विचार हम कुछ भी करते हैं पर विचारों के अनुरूप अगर हमारा चाल, चलन, व्यवहार और चरित्र नहीं होगा तो जिस उद्दिष्ट की बात हम करते हैं उसके ऊपर लोग बोलेंगे ये केवल भाषणों का विषय है, लोग उस पर विश्वास नहीं रखेंगे। और इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आप सबको इस बात का आह्वान करना चाहूँगा
कि हमारा ये उद्दिष्ट पूरा करना यही हमारा मकसद है। और इसलिए राजनीति के बारे में जो राजनीति की परिभाषा है, जो दुर्भाग्य से देश में प्रचलित हुई है, उसको बदलने की आवश्यकता है। पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का प्रभावी उपकरण राजनीति है। और हम देश की सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति को बदलना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं? हम जात पंथ धर्म भाषा और सेक्स, इसके आधार पर जहां डिस्क्रिमिनेशन होगा ऐसा कोई समाज हम नहीं बनाना चाहते। सबको समान संधि है, सबको समान विकास की संधि है, अवसर है, और सब मिलकर हम काम करेंगे, ऐसे उद्दिष्ट के साथ हमारी कटिबद्धता है। और इसलिए हम कहते हैं कि हम ये सामाजिक जो स्थितियां है उसको बदल कर हम कैसा समाज और कैसा देश बनाना चाहते हैं, हमारे गांवों को किस प्रकार से बनाना चाहते हैं, तो हमारे मन में उसके बारे में सुस्पष्टता है कि सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली, विकसनशील, स्वावलंबी और लोकतांत्रिक। ये शब्द बड़े बड़े हैं, पर एक एक शब्द से जो भावार्थ व्यतीत होता है वो हमारे कार्य की दिशा को स्पष्ट करता है। अगर ये अगर पूरा करना है तो इस देश में आज भी बहुसंख्यक आबादी गांव में रहती है। और आज जो अर्बन प्रॉब्लम्स हम जो फेस कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने गांवों की तरफ ध्यान नहीं दिया। महात्मा गांधी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के वैचारिक चिंतन में उन्होंने बार बार गांव का जिक्र किया है। गांव, गरीब, मजदूर और किसान, इनका जब सही अर्थ में विकास होगा, जो समाज के शोषित हैं, पीड़ित हैं, दलित हैं, जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, ऐसे समाज के अंतिम पंक्ति में जो लोग हैं, उनके जीवन को हम जब सुसह्य करेंगे तो हिंदुस्तान का सर्वांगीण विकास होगा। अब परिस्थिति यह हुई है कि विषमता बढ़ रही है, सामाजिक विषमता बढ़ रही है, आर्थिक विषमता भी बढ़ रही है। जो गरीब है वो गरीब होते जा रहे हैं और जो धनवान है वो धनवान होते जा रहे हैं। जो गांव की परिस्थिति है उसकी जो परिस्थिति है उसका, उसकी समस्याओं का ठीक से आकलन करना होगा और उसको बदलने के बारे में हमको उपाय ढूंढने होंगे। मैं ये मानता हूं कि आज गांव की स्थिति है उसमें जो प्रश्नों का, जिन समस्याओं का हम लोग सामना कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बैठकर डायरी में लिख लेनी चाहिए। विशेष रूप से जहां हमारा शासन है वो मंत्री सोचे कि पहले गांव के बारे में हमको क्या करना है, क्या समस्या है। तो गांव की समस्या जो है उसका पहला प्रश्न है, गांव में जाने के लिए रोड नहीं है। जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उल्लेख दोनों मंत्रियों के भाषणों में आया, इस योजना को बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। आदरणीय पटवाजी ग्रामीण विकास मंत्री थे और कभी कभी बार बार जब मुंबई आते थे तो मेरे घर पर ही उतरते थे और तब रोड के इसमें मैं मंत्री था। तो उन्होंने अटल जी को कहा और मुझे आग्रह किया कि एक गांव को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट लीजिए। मैं दिल्ली आया था और अटल जी से मेरी मुलाकात हुई और अटल जी ने और पटवाजी ने मुझे कहा कि हिंदुस्तान के सभी गांवों को जोड़ने वाली एक रोड की योजना आप तैयार करो। और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा और मैंने योजना के लिए काम किया। उस समय मैंने अटल जी को एक बात बताई थी जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी ने कही थी। जॉन केनेडी ने ऐसा कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं है, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए
इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। और जब मैंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का रिपोर्ट आदरणीय पटवाजी और अटल जी को सबमिट किया और उसमें काफ़ी चर्चाएं हुई, तब उसमें मेरे साथ रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर थे, नाबार्ड के चेयरमैन थे, सभी ग्राम विकास विभाग की सचिव थी, कुछ अनेक प्रदेशों के IAS ऑफिसर सेक्रेटरीज थे। उन्होंने एक बात लिखी कि देश में 6.5 लाख गांव है और उन गांवों में अगर हमने अच्छे रोड बना दिए तो देश में 1,10,000 करोड़ का GDP बढ़ जाएगा। गांव का दूध शहरों में जाने लगेगा, गांव के बच्चे स्कूल में जाने लगेंगे, गांव में वेटरनरी डॉक्टर या मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर है वो गांव में आने लगेगा, लोग शहर में जाने लगेंगे, गांव के फल फूल सब्जियां मार्केट में जानी होंगी। तो इस प्रकार से कितना फायदा हो सकता है। वेबसाइट पर मेरे ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का रिपोर्ट है और आप जरूर उसको देखिए, और उस रिपोर्ट से कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता था वो सामने आया। तो पहली बात है कि रोड नेटवर्क एक गांव के अंदर का और एक गांव को जोड़ने वाला अच्छा रोड होता है बनाना चाहिए। अब ये रोड नेटवर्क कैसे बन रहे हैं, जो रोड बनते हैं वो साल डेढ़ साल में खत्म हो जाते हैं। इसके कारण हमारा क्वालिटी के तरफ ध्यान नहीं है, उसमें करप्शन है। टेक्नोलॉजी ये कहती है कि रोड बनाते समय ब्लैक कॉटन सॉइल है और कुछ जगह पर अलग अलग प्रकार की जमीन की क्वालिटी है। अभी सॉइल स्टेबिलाइजेशन की भी टेक्नोलॉजी आई है, हमारे देश में वो सक्सेसफुल नहीं हुई है, क्योंकि जमीन में जब 15% क्ले रहता है तो रोड में सॉइल स्टेबिलाइज करके रोड बन सकता है। पर पहली बात यह है कि रोड बनाते समय जो हम लोग स्टोन क्रश या मुरूम डालते हैं उसका जो कॉम्पेक्शन जो करते हैं रोलर के द्वारा, हम लोग जो रूटीन रोलर यूज करते हैं उसके 10 टन का कॉम्पेक्शन होता है, और वाइब्रेटिंग रोलर अगर हमने लगाया तो वो 40 टन का होता है। तो जमीन को दबाने का काम वाइब्रेटिंग रोलर जो है वो अच्छे तरीके से करता है, तो रोड का लाइफ बढ़ता है। दूसरी बात यह है कि रोड जब बनते हैं तो रोड के दोनों बाजू में पानी बहने के लिए स्लोप रखना चाहिए। एक तो नालियां बनानी चाहिए तो उतना पैसा नहीं है, पर पानी बहने का विचार अगर प्लानिंग में नहीं होगा तो डांबर और पानी की दुश्मनी है, और जहाँ पानी हेल्डअप हो जाता है वहाँ डांबर का रोड। तो 47 से लेकर आज तक देश में हो रहा है कि हर साल रोड बनता है और हर साल उखाड़ जाता है और कोई परमानेंट रोड गाँवों को नहीं मिलते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। तो पहली बात है कि रोड अच्छे बनने चाहिए। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है जो मुझे लगती है, जो गांव गरीब मजदूर किसान के भविष्य के साथ जुड़ी हुई है। मैं योगायोग से भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना, पर मैं अपने जीवन का लगभग पूरा समय गांवों के और कृषि विकास में लगभग देता हूँ, अभी भी देता हूँ। अगर अब कहा जाए तो मैं 50% टाइम मेरा गांवों की तरफ ही रहता है और मेरा रुचि भी है, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं प्रिफरेबली वो काम को करने के लिए चला जाऊँगा, क्योंकि नाना जी ने किया हुआ काम मैं उसको बड़े आदर्श के रूप में मानता हूँ। थोड़ा थोड़ा मैं मंत्री भी था, मेरे मन में एक बात ऐसी आई कि ये सरकार, ये मंत्री, ये अफसर, ये कोई देश का विकास केवल इनके द्वारा होगा, ये जो विश्वास है ये मेरा थोड़ा सा उसमें कमी आने लगी। और तब मैंने एक भाषण सुना था एक संत का, मराठी में कहते थे कि तूस तुझा जीवनाचा शिल्पकार, वो डॉक्टर वामनराव पै करके थे, यू कैन चेंज योर ओन सोशियो इकोनॉमिक लाइफ। तो मुझे वो बात बहुत पड़ गई, मैं तो पैरेलल काम करता हूँ और मैं ही एक सरकार बन चुका हूँ इस टाइप का, इतना बड़ा काम अभी हो गया, तो मैं वो ग्रामीण भाग में टेक्नोलॉजी ले जाकर उससे इकोनॉमिक वायबिलिटी लाकर लोगों को रोजगार डेवलपमेंट ये सब बातों का काम करने लगा। अब मैं सरकार के पास कोई योजना के लिए जाता ही नहीं, आपके डिपार्टमेंट का बजट जितना होगा उतना मेरा बजट हो गया, तो मैं 600 करोड़ का अभी काम करता हूँ, वो पैसे वहीं के गाँव की है, मैं उद्योगपति नहीं, तो मैं उन्हीं से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वही काम करने लगा। अब मेरे साथ 450 इंजीनियर्स काम करते हैं और 10,000 लड़कों को मैंने ग्रामीण भाग में रोजगार दिया। पॉलिटिकल इम्पैक्ट ये हुआ कि मैं 6 जिला लाइन से BJP जीत गई। मैं किसी को वोट मांगने के लिए जाता नहीं और कोई नहीं, पर मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ 25 से 30 हज़ार लोग आ जाते हैं और मैं कहता हूँ बस और गाड़ियों से लोगों को नहीं आना, क्योंकि सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट डेवलपमेंट का हुआ।
क्योंकि लोगों को जब रोजगार मिलता है तो लोग जात पंथ धर्म भाषा को भूलकर विकास के साथ चलती है, मेरा अनुभव है। और जो लोग अच्छा कार्य नहीं करते वो जात की बात करते हैं, और जातीयवाद ये देश के विकास की सबसे बड़ी समस्या है। जो लोग मैं इस जाति का हूँ करके मुझे MLA का टिकट दो, MP का टिकट दो और मंत्री बनाओ कहते हैं, बाय एंड लार्ज 90% लोग कभी अपने जाति का विकास नहीं करते, क्योंकि विकास करने की मूलभूत धारणा उनके मन में नहीं रहती। पर समाज ऐसा है कि वो जात के कारण वो उनके पीछे दौड़ता है और 5-10 साल के बाद फ्रस्ट्रेट होकर उसको छोड़कर दूसरे के पास जाता है। तो मुझे एक लगता है कि हम लोग ग्रामीण विकास में काम करते समय ये जो इंडिविजुअल लोग हैं इनके भी पोटेंशियल को हम इंकरेज करें, टैप करें, और मुझे लगता है ये संभव है। एक सरकारी योजनाओं में जैसे बात आई, मैं हमारे महेंद्र जी को ये प्रार्थना करूँगा, हम जितना काम करना चाहिए उस प्रमाण में भी हम लोग 5-10% भी काम नहीं कर रहे, ये बात है कि अभी हमने शुरुआत की है। पर जैसे हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री NDA रूल्ड राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों को बुलाते हैं और एक दिन की कॉन्फ्रेंस करते हैं उदाहरण के लिए, तो गोपाल जी बताएंगे कि मध्य प्रदेश में हमने क्या क्या किया है, 1, 2, 3, 4, 5 पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करेंगे, फिर छत्तीसगढ़ के करेंगे, फिर आप करेंगे, और फिर जो योजना आपकी अच्छी है वो ये लेंगे, इनकी अच्छी योजना ये लेंगे, और इतना ही नहीं तो और अच्छी योजनाएं UP और स्टेट में कोई राज्यों में भी तो वो भी हम लेंगे, क्योंकि अच्छाई का अच्छाई पर किसी की मोनोपोली नहीं है। तो मुझे लगता है इसमें इंटरेक्शन बढ़ाना चाहिए और जो जो अच्छा जिसका है उसको हमें स्वीकारना चाहिए, चाहे वो किसी भी बंगाल में हो, आंध्र में हो, केरल में हो, कहीं भी उसको हमें स्वीकारना चाहिए। अब ये जो ग्रामीण विकास के जो हमने प्राथमिकता दी रोड के बाद, दूसरा इम्पॉर्टेंट है गांव में खेती है, और खेती का सबसे इम्पॉर्टेंट विषय है कि देखिए दो हमारे देश के विकास के क्षेत्र हैं, एक है इंडस्ट्री और दूसरा है एग्रीकल्चर। इंडस्ट्री डेवलप करनी है तो 4 बातें जरूरी है, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये 4 बातों के सिवा इंडस्ट्री आ ही नहीं सकती। और अगर आपको एग्रीकल्चर कृषि में विकास करना है तो सबसे पहले चाहिए पानी। अब केवल पानी नहीं चाहिए, पानी के साथ वाटर मैनेजमेंट चाहिए। मैं इसराइल में मेरे क्षेत्र के 50 किसानों को लेकर गया था वो एग्रीकल्चर एग्जीबिशन के लिए, तो ऐसे किसान अच्छे किसान थे, एक बैठ गया प्लेन में तो बोला यार हवा नहीं आ रही, खिड़की ऊपर करो, मैंने इतना जो कभी गाड़ी में बैठने का नहीं वो आया था, और मैंने हमारे ग्रुप से 25 लाख रुपए की खर्चा पैसा सब्सिडी दी, 25 लाख उन्होंने दिया, मैं उनको लेकर 8 दिन इसराइल में था और पूरी तरह उनके साथ मैं भी गया था, और टेक्नोलॉजी कैसी है उनको देखने के लिए मिली। तो पहली बात यह है कि वाटर मैनेजमेंट। अब एक इसराइल के कृषि वैज्ञानिक ने मुझे पूछा कि आपको अगर 15 दिन का पानी एक ही समय पिलाया तो क्या होगा, बोला मैं मर जाऊंगा, तो बोले जो आप मर जाएंगे तो पेड़ को 15 दिन में एक ही दिन पानी अगर दे दोगे तो पेड़ नहीं मरेगा, वो भी जीव है, तो आप अगर उसको अगर ड्रॉप से छोटा छोटा पानी दोगे तो उसके 3 फायदे होते हैं कि उसके ग्रोथ में 2.5 गुना बढ़ोतरी होती है और फल की क्वालिटी एकदम अच्छी आती है। अब उसमें हमारे यहाँ प्रयोग किए लोगों ने, वो मटका रहता है मिट्टी का, तो संतरे के झाड़ का ऐसा है तो 3 बाजू में मटका रख दिया, उसमें पानी भर दिया तो मटका पोरस होता है, तो उससे जो पानी वो ग्रास रूट पर वो पहुँचता है तो पेड़ को मिलने लगा, तो उससे क्या हुआ कि वो भी एक प्रकार का ट्रिप हुआ। अब टेक्नोलॉजी बदल रही है, रोज नया नया संशोधन कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात पानी है। अब ये सवाल मैं पूछता हूँ कि क्या आपके राज्य में जितने कुएं खोले गए हैं और जितने लोगों को इलेक्ट्रिक मोटर पंप चाहिए क्या दिए गए हैं? मैं महाराष्ट्र से, हमारे यहाँ कम से कम वेटिंग लिस्ट पर 6.5 लाख किसान ऐसे हैं कि जिनको सरकार बिजली नहीं दे सकती। अब एक अच्छी बात हुई है पानी के बारे में मध्य प्रदेश में की है, और देखिए कैसे डेवलपमेंट होता है, आप आपकी विजन को एकदम परफेक्ट करिए।
मुझे शिवराज जी एक बार मिले थे, जब मैंने उनको कहा था कि ये बताइए आपके राज्यों में, मैं नया नया देश बना था, तो मैं थोड़ा सा मैनेजमेंट का विद्यार्थी हूँ और इकोनॉमी मेरा इंटरेस्ट का विषय है, तो मैंने उनको कहा था कि आपका एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कितना है, पर कैपिटा इनकम कितना है, जीडीपी कितना है, हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स कितना है, ऐसे इकोनॉमिक पैरामीटर्स की बात करने लगा। तब उन्होंने मुझे कहते हुए सब जब जानकारी दी, तब भार्गव जी भी साथ में थे, नहीं ये राघू जी भी साथ थे, तो मैंने कहा शिवराज जी आप नाराज न हो तो एक बात कहो, तो बोले कहिए, मैं अगर मेरे पैरामीटर के आधार पर अगर आपको मार्क दूँ तो मैं 100 में से 15 भी मार्क आपको दे नहीं सकता, ये राज्य की स्थिति, बीमार हूँ राज्य कहते हैं, इसकी स्थिति आपको बदलना है। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये कैसे बदल सकती है, तो मैंने कहा आपके पास बहुत अच्छी ज़मीन है, आप सिंचाई को बढ़ाइए और सिंचाई बढ़ेगी तो आपके राज्य का विकास होगा। दूसरा, जो पाइपलाइन में जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है, पावर प्रोजेक्ट है, उसके जो लीगल प्रॉब्लम से फटाफट सॉल्व कर लीजिए, ताकि इंडस्ट्रियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट अगर आएगी तो जीडीपी सुधर जाएगा, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, पर कैपिटल इनकम बढ़ेगा। अगर किसान के खेत को पानी मिलेगा तो उसका उत्पादन 2.5 गुना बढ़ेगा, और उत्पादन 2.5 गुना बढ़ेगा तो उसके पास पैसे आएंगे। जैसे हमारे यहाँ 3 क्विंटल 1 एकड़ में कपास होता था, अब 12 क्विंटल हुआ, तो किसान के पास पैसे आए, खर्चा जाकर जो प्रॉफिट आया उससे उसकी परचेसिंग पावर बढ़ी, खर्चा करने की शक्ति बढ़ी। अब पैसा कोई जेब में नहीं रखता, अगर 1 लाख रुपए का फायदा हुआ तो पहले लड़का बोलता है भैया पिताजी मुझे मोटरसाइकिल खरीद दो, तो मोटरसाइकिल ली तो पेट्रोल पंप चलने लगता है, तो मोटरसाइकिल के डीलर से एक मोटरसाइकिल बेची तो सरकार को टैक्स मिलता है और मोटरसाइकिल खरीद जाती है, फिर वो कपड़े खरीदता है तो कपड़े खरीदे जाते हैं, फिर टेलर को सिलाने के लिए तो टेलर को सिलाई मिलती है, फिर कपड़े होने से रोज धुलाई होती है तो धोबी को काम मिलता है। तो क्या होता है कि जब परचेसिंग पावर बढ़ती है तब इकोनॉमी मल्टीप्लाई होती है। अगर गांव के किसान के हाथ में पैसा ही नहीं आएगा, हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ, अगर गांव के किसान के हाथ में पैसा ही नहीं आएगा तो इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी। तो मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने मुझे कहा कि पहले साल उनके पास 7 लाख हेक्टेयर जमीन पानी के नीचे थी, फिर वो दूसरे साल 11 लाख हेक्टेयर हुई, अभी वो 18 लाख हेक्टेयर हुई, यानी 22 लाख हेक्टेयर हुई, और एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 17.60 हाईएस्ट इन द कंट्री हुआ। अब दीनदयाल उपाध्याय जी जो कहते थे गांव गरीब मजदूर किसान, इसका कल्याण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, तो विचार ये है और रिजल्ट ये है, ये 18% ग्रोथ है, दिस इज अचीवमेंट। तो मुझे लगता है कि ये इस प्रकार की अचीवमेंट ग्रामीण विकास में हम कर सकते हैं। जैसे ये पानी का विषय कुएं तैयार कर रहे हैं, वैसे और एक अच्छी बात मैं आपको बता दूं, मैं जिस क्षेत्र में आया हूँ ये मेरे लिए बहुत शर्म महसूस होती कि वहाँ मैक्सिमम फॉर्मल सुसाइड्स हुए हैं। तो हमने तय किया कि भाई जीवन में इसके लिए काम करेंगे कैसे होंगे, तो मैं लगातार रिसर्च में जाता हूँ। एक बात है कि मैं दुनिया में घूमता हूँ, साइंटिस्ट मुझे मिलते रहते हैं, ये मुझे फ़ायदा मिलता है, मेरी रुचि भी है। तो मैंने जर्मन की एक कंपनी के साथ एक पावर पैक सिस्टम तैयार किया, और एग्जिस्टिंग जो डीसी मोटर है, एसी मोटर है 3 और 5 की, वो पावर पैक लगा कर सुबह से 8 बजे से लेकर शाम को 5:30 तक मैं सोलर पर पंप चला रहा हूँ। अब मेरी सरकार ने, महाराष्ट्र की सरकार ने मुझे 100 पंप को ऑर्डर दिया। मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी को गांव तक पहुँचाए, किसानों तक पहुँचाए, गरीबों तक पहुँचाए। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू द रूरल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर, ये एक मिशन था और मेरा विश्वास है इससे गाँव बदल सकते हैं। वो पंप चालू हो गया। अब मेरे मन में विचार आया कि मुझे हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन ने कहा सर 125,000 का ऑर्डर देता हूँ, क्योंकि मेरे रेट कम, मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पर बेचता हूँ, तो यहाँ तो 9 लाख रुपए जो कीमत है वो मेरी 4 लाख रुपए है सोलर पैनल देकर, और ये देश में किसी के पास टेक्नोलॉजी नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपको 100 पंप का ऑर्डर दो, मैंने बोला मैं केवल मेरे एरिया में करूँगा, अब मैं जहाँ गन्ना लगाएगा वहाँ मैं पंप दे रहा हूँ, तो मैं उसको लगा रहा हूँ। अब प्रॉब्लम यह है कि सोलर एनर्जी, यानी जैसे पानी के बाद पानी का उपयोग करना है तो एनर्जी
बिजली ये सबसे बड़ा सोर्स है। गांवों के विकास नहीं हो रहा इसका कारण बिजली नहीं है और सरकार बिजली नहीं देता। अनेक राज्यों में 14 घंटे 12 घंटे बिजली नहीं है। बिजली नहीं होगी तो लड़के अध्ययन कैसे करेंगे किसानों के? गरीब लोगों के लड़के अगर बिजली नहीं होगी तो रात को अध्ययन नहीं कर पाएंगे। बिजली नहीं होगी तो खेत को पानी नहीं दे पाएंगे। बिजली नहीं होगी तो गांव में उद्योग नहीं चल सकते। मैं आपको बताता हूं कि आज बिजली न होने के कारण गांव की इकोनॉमी उध्वस्त हुई है, क्योंकि देश में 60,000 मेगावाट बिजली की कमी है। बिजली नहीं होगी तो गांव में उद्योग नहीं चल सकते। मैं आपको बताता हूं कि आज बिजली न होने के कारण गांव की इकोनॉमी उध्वस्त हुई है, क्योंकि देश में 60,000 मेगावाट बिजली की कमी है। अब बिजली की कमी एक अलग विषय है, इसमें आज आपके साथ मैं चर्चा नहीं करता। इसका कारण है कि रॉन्ग पॉलिसीज, रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज, बैड एंड करप्ट गवर्नर्स एंड विजनलेस लीडरशिप, ये जो यूपीए और कांग्रेस पार्टी के देश को देन है, इसके कारण हमारे देश की हालत पैदा हुई है। वी आर ए रिच नेशन विद ए पुअर पॉपुलेशन। हमारा देश धनवान है पर जनता गरीब है, इसका पाप ये राज्यकर्ताओं का है, क्योंकि इन्होंने गरीबों को गरीब करने की योजनाएं जोरों से चलाई है। अब आप स्थिति ऐसी है कि ये बिजली जो है 24 आवर बिजली का आपको कैसे मिले? हिमाचल प्रदेश में हाइड्रो पावर है, सरप्लस है, शायद वो दे सकते हैं। उत्तराखंड में भी दे सकते हैं, मध्य प्रदेश में बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, पर पहली बात गांव में 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। अगर नहीं दे सकते तो हम अल्टरनेटिव एनर्जी, जैसे उसमें सौर ऊर्जा है, विंड पावर है, अपनी को जनरेशन में बायोमास से पावर है, गुजरात में गैसीफायर बनता है, तो मुझे लगता है कि एक 24 घंटे बिजली देने का एक अलग सत्र का विषय हो सकता है, जो मेरा रुचि का है और मैंने सब प्रयोग किए हैं। तो मैं आपको इसमें एक दिन तो मैं ही चर्चा कर सकता हूँ वर्ल्ड में क्या हो रहा है। मैं पेट्रोल भी तैयार कर रहा हूँ, डीजल भी तैयार कर रहा हूँ, और हमारे IIT के साइंटिस्ट ने अभी आपका जो कॉटन स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ से एविएशन, विमान चलने वाला पेट्रोल भी तैयार किया। हमारे गाँव में बहुत संपत्ति है, वेस्ट इज गोल्ड। मैं हमारे कारपोरेशन का कचरा ठेकेदार से 21 रुपए टन के भाव से रोज 2,10,000 रुपए का कचरा खरीदता हूं और कैश पेमेंट करता हूं। कचरा बिजली बनाने के लिए लेता हूं 2,10,000। वो सेग्रीगेट करता है, प्लास्टिक अलग निकलता है, मेटल अलग, तो गोल्ड, वेस्ट इज गोल्ड। आप जितना गंदगी पानी है वो अगर एक तरफ ला के अगर उससे मिथेन निकालेंगे तो मीथेन से आप कॉम्प्रेस करके CNG निकाल सकते हैं, और CNG के साथ उसमें से H2SN सल्फर भी निकलता है और CO2 निकलता है। तो ये जो सल्फर निकलेगा ये हम एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं। जो CNG है उस पर ट्रक बसेस चला सकते हैं। अभी मैंने किट लाई है थाईलैंड से और एक ब्राजील से, जिसमें 70% CNG और 30% डीजल पर ट्रैक्टर और ट्रक चल सकती है। तो ये जो मीथेन है ये आप तैयार कर सकते हैं। आप में व्हीट स्ट्रॉ है, राइस स्ट्रॉ है, कॉटन स्ट्रॉ, कोई भी कचरा, ये देखो ये दिल्ली है, नई दिल्ली रोज मेरे चिंता का विषय। मैं घर से निकलता हूँ तो इतने पेड़ है, तो एक छोटे पावर टिलर है, आप देखो ये नई दिल्ली, ये पूरा ग्रीन वेस्टेज इकट्ठा करते हैं और फुटपाथ में बाजू जाकर जला देते हैं। मैं रोज सोचता हूँ कि मैं एक ऐसा ना करूँ कि इसको अपने बंगले में ला के एक खड्डा बना दूँ और इसमें डालूँ, कम से कम तो इससे मीथेन बन जाएगा तो मेरे घर की बिजली मुझे मिल जाएगी, पर ये क्यों जला देते हैं? तो अब टेक्नोलॉजी बदली हुई है। तो पहली बात है कि गांव में 24 घंटे बिजली पंप के लिए मिलनी चाहिए और गरीब के घर के लिए मिलनी चाहिए। तीसरी बात है कि गाँव में स्कूल है क्या? वो स्कूल की हालत कैसी है? क्या आपने मंत्री करके कभी परीक्षण किया है कि स्कूल की स्थिति है कैसी है? मैं जो अनुभव करता हूँ, मैं आपके राज्यों के बारे में नहीं कह रहा हूँ, जो मेरे अनुभव पर मैंने देखा है, एक तो स्कूल की बिल्डिंग है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो बिल्डिंग नहीं है, दोनों हैं तो विद्यार्थी नहीं है, और तीनों हैं तो पढ़ाई नहीं है। ये नहीं, गाँव की हालत ऐसी है कि ये किसान के बच्चे, गरीबों के बच्चे, दलितों के, आदिवासियों के बच्चे इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनने चाहिए।
और उनको अगर अच्छा एजुकेशन नहीं मिलेगा, दिल्ली के CBS स्कूल में जो एजुकेशन मिलता है सेंट्रल कोर्स में, वो गांव के लड़के को नहीं मिलता, तो इंजीनियर, IAS ऑफिसर, डॉक्टर यहाँ से बनेंगे, वहाँ से नहीं बनेंगे गरीब के लड़के, दलितों के लड़के, आदिवासियों के बच्चे। तो पहली बात, अच्छा शिक्षा का प्रबंध। अब मैं ये सवाल नहीं पूछता कि आपके पास कितनी टीचर की जगह खाली है, मैं थोड़ा हमारे राज्य में महाराष्ट्र की जानता हूँ, मेरे अंदाज से हर राज्य में जितने पोस्ट है, एक चार वर्ग अगर चलते स्कूल में तो एक टीचर है, दो टीचर है, दो को टीचर ही नहीं। तो आपने टीचर न देते देने के लिए हमारे यहाँ परिवार में हमने एकल विद्यालय का कंसेप्ट किया। हमारे यहाँ एकलव्य एकल विद्यालय करके, मैं ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ, 450 एकल विद्यालय नक्सलाइट बेल्ट में चलाते छत्तीसगढ़ को लगता, और वहाँ अच्छा 550 टीचर्स का 3 दिन का भी वर्ग हुआ। तो क्या हम हमारे परिवार के लोगों को ये एकल विद्यालय के मार्फत तो भी हम पहुँच सकते हैं, इसकी योजना बना सकते हैं, इसमें आप सोचो। दूसरी बात, ये शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। तीसरी बात, शिक्षा कौन सी होनी चाहिए। 21वीं सदी जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी की है। क्या हमारे बच्चों को हम विज्ञान, तंत्र विज्ञान, कंप्यूटर सिखा रहे हैं गांव के लड़कों को? लगभग कौन सी शिक्षा दे रहे हैं? उसको अपग्रेडेशन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये एकदम नहीं होगा, इसमें कठिनाइयां है, पर व्यवसाय विमुख तांत्रिक शिक्षा और उसके साथ स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी बात है और उसमें बहुत एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है। मैं लंदन में गया था, यूरोप में गया था, देशों में जाता हूँ, बड़े बड़े देशों में, जर्मनी में, फ्रांस में, ये जो किचन में काम करने वाले जो कुक है वो बहुत उत्तराखंड से है। अच्छा, वो जमाना चला गया कुक बनने में, लड़के अब जाते, अभी एक कुक है उसकी TV पे शो होता है, उसकी तनख्वाह 20 लाख रुपए महीने की है। मैं चाइनीज फूड का शौकीन हूँ, तो मैं एक बार ताज लंच एंड होटल में गया था, तो वो कुक को घुमाते रहते हैं, तो चाइना से कुक आया था, तो वो आते पूछते आपको क्या चाहिए, तो मैं वो केनियन बीन्स बड़ा फेवरेट डिश थी मैं खाता हूँ, तो वो आया मुझे, तो मैंने कहा फ्राइड करके बनाओ, मैंने कहाँ से, बोले मैं चाइना से आया हूँ, आपका तनख्वाह कितना है, डॉलर में बताया, वो 35 लाख रुपये महीना उसका तनख्वाह है। तो अच्छी रेसिपी तैयार करना, होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, इतना बड़ा पोटेंशियल स्किल मैनेजमेंट में, हमारे गांव के लड़कों को हम बना सकते हैं इसमें? अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छा रिसर्च, व्यवसाय विमुख तांत्रिक शिक्षण हम दे सकते हैं, दे सकते हैं। केवल ITI में अभी आजकल महिलाओं में ये ब्यूटिशियंस का कोर्स है, पहले शहरों में वो क्या ब्यूटी कल्चर, क्या बोलते उसको, ब्यूटी पार्लर चलते थे, अब तो गांव में भी हेमा मालिनी और माधुरी दीक्षित कहीं कहती वो भी चाहती है कि मैं बाल काटने के भी कितने इक्विपमेंट, इसमें एक ने मुझे अभी दिया, एक मशीन दिया शरीर पर बाल काटने का, फॉरेनर ने, उसने कहा कि कोई इंडियन देखो, मैंने ये टेक्नोलॉजी खरीद ली है 40 करोड़ में, वो मशीन घूमता है तो बाल कटते गए, तो हिंदुस्तान में कोई एजेंसी देखो, मैं इसको इसराइल का उद्योगपति था, मैं इसमें जाना चाहता हूँ, कितना पोटेंशियल है। बाल अच्छे रखने के लिए महिलाओं में जो लड़कियां आप काम कर रही है शादी में, मेरे लड़की की शादी हुई तो मेहंदी लगाने के लिए 15 महिला आई थी और उसका 70,000 रुपये भी हुआ, 70,000 रुपये मेहंदी लगाने का। एक कंपनी मेहंदी का पैकेज तैयार करके TV पे जा रहा करे, करोड़ों की मेहंदी बेच रही। अभी छत्तीसगढ़ में 800 करोड़ की इमली बेची, अब इमली का सॉस हो जाएगा तो 1200 करोड़ हो जाएगा। तो तुम जितना जाओगे टेक्नोलॉजी के नीचे में, तो गांव में अपरंपार उपलब्धता है, संपन्नता है, आवश्यकता है योजक तत्व दुर्लभ। आप में अगर विजन है और योजना है, कुछ करने की इच्छा है, टेक्नोलॉजी लानी है, तो गांव स्वयं पूर्ण हो सकते, स्वावलंबी हो सकते। तो मुझे बात दूसरी लगती है कि इसमें से पानी के साथ बिजली, रोड, ये 3 होने के बाद हम लोग शिक्षा के तरफ ध्यान दें। दूसरी बात, हर गाँव में एक शमशान भूमि रहनी चाहिए, मोक्षधाम। अब ये भी बहुत वायबल प्रोजेक्ट है, मैंने हमारे यहाँ 5-7 शमशान भूमि 3-स्टार होटल जैसी बनाई, मैं जब मंत्री था तो मैंने स्टडी किया कि एक व्यक्ति को लकड़ी और गोरी से जलाने से 2100 रुपये खर्चा आता है,
इलेक्ट्रिक से जलाने में 1000 रुपये खर्चा आता है, डीजल से जलाने में 1450 रुपये खर्चा आता है। तो एक व्यक्ति जलता है तो एक झाड़ जलता है। तो मैंने ये कहा कि इसको भी एक कोई चैरिटेबल ट्रस्ट या हिंदू ट्रस्ट हो, मुस्लिम ट्रस्ट हो, कब्रिस्तान हो, इनको दे दो। और मैंने पूछा हमारे यहाँ ऐसे सर्वे किया था कि कैसा ये धंधा है, तो बोले जब बरसात और धुंध तपती है तो धंधा अच्छा चलता है, उसमें 15-15 रेड़बड़ी आती है, नहीं तो 7-8 का एवरेज रहता है। वो अपना धंधे का सोच रहा था। तो मैंने सोचा इसमें ये सरकार खर्चा करने के बजाय, हिंदू कोई गीता मंदिर ट्रस्ट है ये स्मशान भूमि चला है, कोई मुस्लिम ट्रस्ट है वो कब्रस्तान चला है, कोई क्रिश्चियन है वो भी चला है। मुझे लगता है इनको अगर सौंप देंगे तो सरकार का भार कम होगा, और धीरे धीरे अगर लोग उसमें अगर गैस पे भी आइए, गैस ज़्यादा सस्ता है, जैसे CNG 40 रुपये किलो लीटर है, 40 रुपये किलो है, तो डीजल 67 रुपये है, पेट्रोल और महंगा। पेड़ का एनवायरनमेंट के हिसाब से पेड़ को जलाना उचित नहीं, फिर भी वो श्रद्धा का प्रश्न है। मुझे लगता है अभी बाढ़ आपटे जी का निधन हुआ तो हमने उनका जो अंत्य संस्कार है वो इलेक्ट्रिक फर्नेस में किया। तो धीरे धीरे हमारे देश में इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के दृष्टि से हम लोग पेड़ को बचाएं, तो हम लोगों को कहने की कोशिश करें कि भाई विज्ञान का दृष्टिकोण है, हमें पेड़ों को बचाना चाहिए। फिर भी किसी की श्रद्धा होगी तो ठीक है, लकड़ी से जलाएं। अब गोरी है गाय के गोबर की, अब उससे कितने हुआ खाद तैयार होता है, उससे बिजली तैयार होती है, उससे ऑर्गेनिक मैनुअल तैयार होता है। तो एक गाय, एक नीम का झाड़ और एक परिवार चल सकता है। बहुत बहुत अच्छा हुआ, तो क्यों नहीं उसका उपयोग किया जाए। गांव को सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली, स्वयं पूर्ण और स्वावलंबी और विकसनशील बनाना है, तो इन सब उसका उपयोग करना पड़ेगा। जो हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारा वीकनेसेस क्या है, मुझे एक लगता है कि ये हो सकता है। चौथी बात, बच्चों का भविष्य अगर बनाना है तो खेलने का मैदान होना चाहता हूँ। ग्राम पंचायत का खेलने के मैदान में बच्चे खेल सके तो उनका व्यक्तित्व बनेगा। तो क्या गांव में एक मैदान छोटा सा स्टेडियम टाइप हम नहीं बना सकते? कबड्डी होगी, खो खो होगा, छोटे छोटे गेम वही गांव के अनुरूप खेले जाएंगे, कुश्ती हो जाएगी, कोई व्यायामशाला हो जाएगी, ये इससे गांव संपन्न बनेगा। गांव में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, कम से कम अच्छे किताबें, छत्रपति शिवाजी महाराज है, महाराणा प्रताप है, महात्मा गांधी है, दीनदयाल उपाध्याय जी है, हमारे भारत भारती की किताब है, रामायण है, महाभारत है। हमारे छोटे बच्चे गाँव के जो भविष्य के नागरिक हैं वो अच्छे किताबें पढ़ने के छोटे से एक किताब डोनेशन भी मिलते हैं। आपने वहाँ की रीजनल भाषा में अगर 25,000 की किताब एक छोटे 10x10 से 200 स्क्वायर फुट के रूम में एक छोटा वाचनालय बनाया।